जम्मू कश्मीर के युवाओं को बहकाकर भारत में आतंकी हमले कराने वाला जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर असल जिंदगी में बहुत ही डरपोक है। पाकिस्तान का गुर्गा मसूद अजहर जब पहली बार सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आया था तो उसकी सारी हेकड़ी निकल गई थी। सेना के एक अधिकारी का एक थप्पड़ पड़ते ही मसूद अजहर की हालत खराब हो गई थी। एक थप्पड़ में ही आतंकी मसूद अजहर ने अपनी आतंकी गतिविधियों के बारे में सब कुछ बक दिया था। मसूद अजहर की ये बातें उससे पूछताछ करने वाले एक पूर्व अधिकारी ने बताई है। अधिकारी के मुताबिक मसूद अजहर को फरवरी 1994 में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में गिरफ्तार किया गया था। वो पुर्तगाल के पासपोर्ट पर बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसा था और फिर कश्मीर चला गया था। सिक्किम पुलिस के महानिदेशक रहे अविनाश मोहनाने ने बताया कि पकड़ में आने के बाद सुरक्षा एजेंसियों को उससे जानकारी उगलवाने में किसी तरह की सख्ती नहीं बरतनी पड़ी। वो बताते हैं कि सेना के एक अधिकारी का थप्पड़ पड़ते ही उसने सब कुछ बक दिया था। मसूद ने विस्तार से बताया था कि पाकिस्तान से आतंकी संगठन अपनी गतिविधियों को किस तरह अंजाम दे रहे थे, उन्हें किस किस की मदद मिलती थी। बता दें कि आईबी में दो दशक तक रहने वाले मोहनाने ने मसूद अजहर से कई बार पूछताछ की थी। मोहनाने के मुताबिक मसूद ने पूछताछ में बताया था कि पुलिस उसे बहुत दिनों तक गिरफ्त में नहीं रख सकती है। उसने खुद को पाकिस्तान और आईएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया था। उसके कुछ दिन बाद ही आतंकियों ने 10 विदेशी सैलानियों का अपहरण कर उसे छोड़ने की मांग की थी। 1995 में एक बार फिर 5 विदेशियों का अपहरण कर उसे छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों ही बार उन्हें असफलता मिली। हालांकि बाद में 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण के बाद यात्रियों के बदले में उसे और 4 अन्य आतंकियों को कांधार में छोड़ा गया था। उसके बाद ही उसने जैश का गठन किया। फिर संसद से लेकर पठानकोट, जम्मू और उरी में सेना के अड्डों पर हमले से लेकर पुलवामा आतंकी हमलों तक को अंजाम दिया। बता दें कि 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहनाने कश्मीर में आईबी के प्रमुख थे। गिरफ्तारी के दौरान पूछताछ में मसूद अजहर ने पाकिस्तान में आतंकियों की भर्ती से लेकर उनके काम करने के तरीकों के बारे में अहम जानकारियां दी थी। गौरतलब है कि उस समय भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे छद्म युद्ध के बारे में बहुत ज्यादा खुफिया जानकारियां नहीं होती थी। मोनाने के मुताबिक उन्होंने कोट बालवाल जेल में मसूद से कई बार पूछताछ की थी। उस दौरान उसने बताया था कि अफगानिस्तान से आतंकियों को कश्मीर घाटी की तरफ भेजा जा रहा है। उसने ये भी बताया था कि हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद ए इस्लामी यानी हुजी का उसके संगठन हरकत उल अंसार में विलय हो गया था और भारत में घुसने के बाद कश्मीर जाने से पहले वो सहारनपुर गया था, जहां उसने हम और हुजी के विरोधी धड़ों के बीच मेल कराया था। इसके साथ ही मसूद अजहर ने बताया था कि उसके लिए पैदल चलकर नियंत्रण रेखा पार कर भारत में घुसना मुश्किल था, इसलिए वो पुर्तगाल के फर्जी पासपोर्ट के सहारे बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसा था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।